बोली के मम्मी जी मुझको हस्बैंड चाहिए। जरा इसमें इंग्लिश के शब्द लगाए हैं, सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं एकदम, और इन शब्दों को समझे। तो लड़की बोली, अरे मम्मी जी मुझको हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए, मेरा हैंड पकड़ के बोले स्टूडेंट चाहिए। मम्मी जी मुझको हस्बैंड चाहिए, मेरा हैंड पकड़ के घूमे स्टूडेंट चाहिए। ऐसे लड़का होए जो बड़े बाजारों में आते भर के घूमे पढ़ाने का स्टूडेंट चाहिए। अम्मा काल की बिटिया चिंता ही न करो, लड़का पड़ोले को देखे तब ब्याह करें, ऐसे थोड़ी करें। तो लड़की बोली, माँ जी सुबह उठते ही लड़के के नियम क्या होने चाहिए, नियम। तो अम्मा बोली, बेटिया क्या हो चाहिए नियम। तो लड़की समझा के बोली, माँ जी सुनो, सुबह उठते ही लड़के के नियम, अरे नहाने से पहले डिटॉल चाहिए, डिटॉल फैशन की तरह, नहाने से पहले डिटॉल चाहिए, ब्रश करन के लाए पतंजलि माओ भूल गई। अरे संतोष ब्रश करने को भूल गए चाहिए, हाँ ब्रश करने को भूल गए चाहिए। ब्रश करने के लिए पतंजलि बाबू कोलगेट होना चाहिए, क्योंकि पतंजलि कुछ ज्यादा ही गर्मा रहे हैं, है ना, हम यूज करते हैं पतंजलि का ही। अब बबू अजय तो सब पीछे है। अम्मा काल लगी बिटिया चिंता ही ना करो, लड़का नियम सही अम्मा देखे तब ब्याह करे, ऐसा नहीं करे। तो लड़की बोली, बाजी लड़के का पहनावा कैसा होना चाहिए, पहनावा। अम्मा बोली, बिटिया जब तुम ही बतायो कैसे पहनावा होना चाहिए। तो लड़की समझा के बोली, सुनो माजी, अरे पैरों में जींस पैंट, पैरों में जींस की पैंट ही वो चाहिए, अरे पैरों में जींस पैंट शर्ट चाहिए, अरे पैंट चाहिए, संगा संगा कोबरा की सेंट चाहिए। पैरन में जींस की पैंट, बढ़िया चमड़ा की पैंट, कोबरा और संग संग कॉटन की शर्ट होनी चाहिए, संग संग में कोबरा की सेंट भी चाहिए। अम्मा कान लगी, बिटिया चिंता ही न करो, लड़का फैशन वाव देखे तब ब्याह करें, ऐसा नहीं करें। अब लड़की बोली, माँ जी हमारे सास ससुर भी होने चाहिए, ससुर साहब का पहनावा कैसा होना चाहिए। अम्मा बोली, बिटिया जा तो तुम ही बताइयो कैसे हो चाहिए। सही लड़की समझा के बोली, सुनो माँ जी ससुर साहब जो हो ना, अरे कोटा पहन ले, ससुर साहब एक कोटा पहन ले, ढोले पहनने चाहिए, पेरेंट्स माता पिता दोनों ही होने चाहिए। कोट पैंट में ढोल पेरेंट्स चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, घर में झाड़ू पोछा के लिए।
अरे हेल्प के लिए सर बैंक चाहिए, हाँ हेल्प के लिए सर बैंक चाहिए। लड़की बोली सास ससुर भी होने चाहिए और घर में झाड़ू पोछा के लिए सर्वेंट यानी कि नौकर भी होना चाहिए। इधर भगवान की दया से माता बहनों जब लड़की की शादी हुई और देखो जाके किस्मत में जो भी लिखा होता है वही होता है, किस्मत की लेखना को कोई मेट नहीं पाता है। जब लड़की की शादी हुई और लड़की ससुराल से मायके में आई, अम्मा पूछने लगी कई मिटिया कहो कैसे रही ससुरे में, कहो बात को कोई कष्ट तो नहीं भाई, कोई परेशानी तो नहीं भाई। सोई लड़की समझाए के बोली अरे माँ जी अब जैसे कचो रही वैसे बड़ी यही रही। तो लड़की बोली क्या बोली, आई सुने गाया है मैंने इस चुटकले को भी राठौर।